92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हिंदी सिनेमा की जानी मानी जर्नलिस्ट, फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर भावना सोमया के साथ बिग मॉनसून मैजिक। बरसात में आक्रोश का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण रहेगा साल 1981 की फिल्म बरसात की एक रात का। डायरेक्टर शक्ति सामंता ने इस फिल्म को बंगाली और हिंदी में डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में राखी और अमिताभ बच्चन पति पत्नी है। राखी फिल्म में प्रेग्नेंट है और ब्लाइंड भी। इस बात का फायदा उठाते हैं फिल्म के विलन कालीराम यानी अमजद खान। बरसात की एक रात अमिताभ बच्चन के आक्रोश और कातिल के रहस्य की कहानी है, और ऐसे दृश्य को पर्दे पर जब कभी भी दिखाया गया है तो हमेशा बिजली कड़कती है या फिर बादल गरजते हैं। भूत प्रेत और पुनर्जन्म की सभी कहानियों में अक्सर बरसात होती है, हादसा होता है और कोई न कोई राज जरूर खुलता है। साल 1949 की महल में मालन की बेटी बरसात की रात हीरो अशोक कुमार को आएगा आने वाला गाकर पुकारती है। साल 1958 की मधुमति में दिलीप कुमार की गाड़ी तेज बारिश की रात एक खंडर हवेली के बाहर खराब हो जाती है। हवेली के अंदर आते ही दिलीप कुमार को एहसास होता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं। साल 1964 की वह कौन थी में मनोज कुमार भीगी रात को बीच राह खड़ी एक लड़की को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं। उसे मंजिल पर छोड़ने के बाद जब मनोज कुमार मुड़कर देखते हैं तो लड़की गायब है, और तभी फिल्म के क्रेडिट शुरू होते हैं टाइटल के साथ वह कौन थी। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर से जन मुलाकात हो। डायरेक्टर मोहित सूरी बात करेंगे हमसे अपनी मिस्ट्री बेहद वायलेंट फिल्म एक विलन के बारे में। हाय, मैं हूँ मोहित सूरी, 92.7 बिग एफएम पर। एक विलन में जब रितेश पहली बार जब घर आता है तो रेनकोट पहनते हुए बारिश होती है और कोट निकालता है घर पहुँचने में, और जब उनका इंट्रोडक्शन शॉट होता है मुझे लगता है कि मेनेसिंग बैकग्राउंड जो रेनकोट में आदमी घूम रहा है अकेले रात को, क्लासिक ट्रेडिशनल विलन शॉट। थंडर स्टॉर्म हवा, कहीं ना कहीं हमारे एक्टर्स में भी जब हवा उनके अगेंस्ट आता है तो उनको एक काउंटर पॉइंट मिलता है, ज़्यादा ड्रामेटिक एक्टिंग करते हैं। हीरो उठता है, विलेन डरता है, मार बारिश कीचड़ की फाइट, कोई भी बच्चे को देख लो वो राम लखन की फाइट आज तक भूला नहीं है। क्लासिक दो हीरो की अगर क्लैश करना तो कीचड़ फाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी बारिश थंडर और लाइटिंग सस्पेंस को ऐड करता है, वो बिजली का खड़कना, वो डार्क लाइटिंग, वो चेहरे नहीं दिखना, लाइट पीछे से जाना और सिलोएट करना, वो सब सस्पेंस को ऐड करता है। वो बारिश का साउंड जब लोग रास्ते पे भाग रहे हैं अंदर छुपने के लिए, वो अकेलापन, अगर सब खुश खुश मजा कर रहे हैं तो आई थिंक बारिश और सस्पेंस नहीं आ सके। दैट इज समथिंग दैट इज स्टेड इन सिनेमा, नॉट ओनली इंडियन सिनेमा, इंग्लिश पिक्चरों में भी चला था, साइलेंट पिक्चरों में भी पहले वो थंडर का ही फिर शायद कहीं ना कहीं लोगों को प्राइमोरली लगता था कि जब थंडर होता है कि तो भगवान कुछ गुस्से हैं या कुछ गड़बड़ होने वाला है तो छुप जाते थे, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस एंगल में आ गया। तो बारिश वायलेंस हीरो सस्पेंस एक कैटेगरी, दूसरा बारिश रोमांस प्यार सेक्सुअलिटी दूसरा कैटेगरी। कल लेकर आऊंगी बरसात का एक और नया भाव। सुनते रहिए बिग मॉनसून मैजिक मेरे यानी भावना सोमाया के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।